तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं भगवान शिव की दी हुई सीख के बारे में। अब जैसे कि भगवान शिव ने अति भयंकर विष हलाहल को पिया था, तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है नकारात्मक चीज़ों को भी सकारात्मक होकर लेना। अब जैसे कि समुद्र मंथन में जब विष बाहर आया था तो सभी ने अपने कदम पीछे कर लिए थे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हलाहल को पिया और उन्हें नीलकंठ के नाम से हम जानने लगे। तो हमें इस घटना से एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है और सबक भी मिलता है कि हम भी जीवन में अपने आने वाली नकारात्मक चीज़ों को अपने ही अंदर रखें, लेकिन उसका असर ना तो खुद पर होने दें और ना ही दूसरों पर होने दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना भगवान शिव की सीख के बारे में। तो दोस्तों, आप इनमें से कितने फैक्टों के बारे में जानते थे, और अगर आप नहीं जानते थे तो आपको ये सीख जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली सही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।